यूपी के रामपुर में योगीराज में अपराध हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम मजरा पीपली से आया है, जहां रेलवे में टीसी के पद पर नौकरी का झांसा देकर 20 लाख की ठगी कर आरोपी फरार हो गए। पीड़ितों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। कोतवाली टांडा क्षेत्र के मजरा पीपली नायक निवासी रामचंद्र पुत्र घन सिंह ने आरोपी जगदीश सिंह, ग्राम मुवाना अमरोहा निवासी रघुवीर सिंह, नरेंद्र नरेश सत्यपाल के खिलाफ रेलवे में टीसी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी करने की रिपोर्ट कराई है और बताया है कि आरोपियों ने दिसंबर 2014 में नौकरी के मीठे मीठे बोल बोलकर सुनाकर सभी को अपने झांसे में लिया और कहा कि एक नौकरी लगाने का खर्च 10 लाख होता है। इस पर हमने बेटे और अपने दामाद दिनेश कुमार पुत्र दुल्ली चंद्र निवासी ठाकुर द्वारा के लिए 2 लाख उनको दे दिए। उसके बाद हमने अपने जेवर, भैंस, बछड़ा, 19 बीघा खेती की जमीन और कुछ पैसा बैंक से लोन पर लेकर आरोपियों को 20 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद आरोपियों ने बेटे और दामाद को ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग लेटर देकर हावड़ा कोलकाता भेज दिया। कुछ दिन सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन वहां हमें कुछ लोगों द्वारा कंप्यूटर के बारे में बताया जाने लगा कि लेकिन एक दिन अचानक वहां पुलिस ने छापा मारा और पुलिस सभी को थाने लेकर चली गई और हमें सब बताया गया कि किस प्रकार हमारे साथ धोखा किया गया है। तब हमने यह जो नौकरी परिजनों को दी थी तो परिजनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जब परिजनों ने आरोपी जगदीश सिंह के पास पहुंचे तो आरोपियों ने उनको जान से मारने की धमकी देने के लगे और सभी को मारकर भगा दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से सभी 5 आरोपियों के खिलाफ विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रामपुर यूपी से रेखा रानी, आज़ाद टीवी न्यूज़। हाँ, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे की वजह से, नौकरी की वजह से इन्होंने पैसा ले लिया हमसे। हमने उनकी अच्छा, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो अच्छी बात है, हमारे दामाद की और हमारे लड़के की। और फिर बाद में थोड़ा करके पैसा ले लिया उन्होंने। हम बहुत दुखी हो गए, जेवर बेच दिया, चीज़ बेच दी और सब कुछ बेच दिया। हमारे बालक जवान हैं, लग जाएगा हमारा बेटा या हमारे दामाद, दोनों लग जाएंगे धीरे धीरे, उस कर्ज को अदा कर देंगे और हमारी जो है तरक्की होती रहेगी। हमने ये सोचा, हर आदमी अपने मतलब औलाद के लिए या बेटे के लिए हर आदमी ये सोचता है कि भाई किसी ढंग से नौकरी लग जाए तो अच्छा है, हमारे बेटा का भी मतलब जो है स्वास्थ्य मतलब आगे वो जीवन या वो जो है थोड़ा अच्छा मतलब जो बनता रहेगा। और हम और दामाद को भी हमने ये सोचा कि भाई ये भी हमारे दामाद हैं, इनका भी जो है कुछ तरक्की हो जाएगी जीवन में इनकी। क्या करें, इन लोगों ने साहब हमें बिल्कुल पट कर दिया। ट्रेन में थे बहुत लोग थे और वहाँ के भी थे कुछ, और हमारे यहाँ से थे 4-5 जने थे। तो आपको इसका एहसास कब हुआ? एहसास तो अभी हुआ जब वहाँ से वापस आ गए थे। जब कुछ वहाँ पर कोई था ही नहीं तो मतलब वहाँ से भेज दिया गया था, पुलिस वालों ने भेज दिया था कि जाओ ये फर्जीवाड़ा है, तो तब से एहसास होने लगा था। कुछ नहीं लगा वहाँ पर, पुलिस ने जो डंडे भाजे इनके ऊपर, बोले यहाँ कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, ये कहीं ऐसा नौकरी नहीं लगती हैं कि ये सब फर्जी वाला है। तब ये वहाँ से भाग के आए, करीब ये थे 40-50 लड़के वहाँ पर, 4 लड़के तो यही थे, 2 बहेड़ी के थे और 2 जो है ये थे, 4 लोगों के साथ इनके ठगी हुई और 20-22 लाख रुपये का जो है चूना लगा दिया गया, उसके बाद में कुछ नहीं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 40 लड़के थे तो क्या सबसे 20-20 लाख रुपए लिए गए? नहीं नहीं, उसमें जो है मतलब इन्होंने जो है 10-10 लाख का वो दिया था, 10-10 लाख रुपए जो है। ये थाना टांडा क्षेत्र में एक 20 लाख रुपए की ठगी नौकरी के नाम पर होने की घटना प्रकाश में आई है। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच इसमें जारी है।